بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله आज रमज़ान मुबारक की 10वीं शब है। एक अशरा देखते देखते मुकम्मल हो गया, दो अशरे बाकी हैं। हम में से अक्सर रमज़ान मुबारक की कदर नहीं कर पा रहे हैं और ये माह मुबारक अपनी बरकतें समेटता हुआ बहुत तेज़ी के साथ हमसे दूर जा रहा है। एक हिस्सा गुजर गया, दो हिस्से बाकी हैं। अल्लाह अपने करम से हम सबको इस माह मुबारक की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। 10वें पारे में अल्लाह ताला ने जो बाज़ मौज़ूआत रखे हैं उनका तज़किरा आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। सूरह अनफाल 10वें पारे के इब्तदाई हिस्से में है और उसके बाद सूरतु तौबा। चुनांचे सूरह अनफाल में आयत नंबर 45 से 47 तक ईमान वालों को अल्लाह ने कुछ हिदायत दी। फरमाया गया, या अय्युहल्लज़ीन आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून। ऐ ईमान वालों, अगर तुम्हारी किसी लश्कर से मुठभेड़ हो जाए दीन इस्लाम के नाम पर या अपने जानो माल की हिफाजत के लिए कोई तुमसे आकर भिड़ जाए तो हरगिज हरगिज पीठ मत दिखाना, बुजदिली का मुजाहिरा मत करना, बल्कि जमे रहना, अल्लाह पर यकीन रखना और अल्लाह को इस हाल में भी कसरत से याद करना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इंसान की दावती ज़िंदगी और तबलीगी ज़िंदगी के जो मराहिल हैं उन मराहिल में पहला और इब्तदाई मरहला ये होता है कि इंसान किसी से जाके बात करता है, किसी को जाके समझाता है। जब उस मरहले का तज़किरा अल्लाह ताला ने किया तो वहाँ पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से फरमाया कि फिरऔन से जाकर ईमान की बात करो, दावत की बात करो, और उस वक्त भी ये तलकीन फरमाई कि वला तनिया फी ज़िक्री, मेरे ज़िक्र और मेरी याद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और इस मरहले की इंतहा ये होती है कि इंसान अल्लाह के रास्ते में इस तरह निकल पड़े कि उसको ये पता भी ना हो कि वो वापस आ पाएगा या नहीं। मार्के होते थे, गज़वात होते थे, जंगें होती थी और उसमें अल्लाह के दीन के लिए सहाबाए किराम शरीक होते थे, अल्लाह के बंदे शरीक होते थे। उस मौके के लिए भी फरमाया, इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़स्बुतू, जब मुकाबला हो तो जमे रहो, वज़्कुरुल्लाह कसीरा, और कसरत से अल्लाह को याद करो। ज़िक्र इलाही दिल को ताज़ा रखता है, ज़िक्र इलाही नफ्स को ताकत अदा करता है, पाकिजगी अदा करता है। ज़िक्र इलाही से इंसानी वजूद पर सकीनत का नुज़ूल होता है। ज़िक्र इलाही इंसान के अंदरून को ताजगी बख्शता है। ज़िक्र इलाही से मोमिन का दिल, मोमिन का दिमाग, मोमिन की अक्ल, मोमिन का पूरा वजूद मुनव्वर हो जाता है, मुज़क्का और मुसफ़ा हो जाता है। यह अल्लाह के ज़िक्र की तासीर, और इस ज़िक्र के बग़ैर बातिन की सफाई आसान नहीं है। लोग ज़िक्र करने को एक नफल और मामूली अमल समझते हैं, हालांकि ज़िक्र बातिन की सफाई का सबसे बेहतरीन ज़रिया है, बशर्ते के इखलास के साथ, बशर्ते के अल्लाह की रज़ा की नीयत से, बशर्ते के
अपने दिल की पाकीज़गी और सफाई और अपने कल्ब की इस्लाह के लिए अल्लाह हमको जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये खाली मशाइख का काम नहीं है, ये पीर और मुरीद का काम नहीं है कि वो जिक्र करें, बल्कि हर मोमिन को ये हुक्म है कि कसरत से अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के नाम का जिक्र करो। वज़कुर इस्मा रब्बिक वज़कर इस्मा रब्बी फसल्ला, अल्लाह के नाम को याद करो, अल्लाह के नाम को रटो, अल्लाह के नाम को जपो, अल्लाह के नाम को बार बार बोलो। जितना अल्लाह के नाम को बोला जाएगा उतना वो नाम दिल पर नक्श होता चला जाएगा। फिर आगे इसी आयत में फरमाया अल्लाह की इताअत करो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, और आपस में झगड़ो मत, आपस में लड़ाइयाँ मत करो। अगर तुम झगड़े करोगे, आपस में लड़ाइयाँ करोगे मसलकों की बुनियाद पर, जमातों की बुनियाद पर, तंजीमों और तहरीकों की बुनियाद पर बट जाओगे, फ़िरकावारियत अपने दरमियान आम करोगे, तो फिर ये झगड़े तुमको कमज़ोर कर देंगे और तुम्हारी हवा अल्लाह ताला उखाड़ देंगे। वतज़हबरीहुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। इसलिए मजबूती से जमे रहो, वस्बिरू, मजबूती से जमो। अल्लाह ताला को मजबूती से जमने वाले, अल्लाह की इताअत पर मजबूती से जमने वाले, गुनाहों से रुकने पर मजबूती से जमने वाले, मसाइब और हालात पर मजबूती से जमने वाले ही बंदे पसंद। और फिर फरमाया न उन बंदों की तरह बनो जो खूब अकड़ कर घमंड में अपनी शान दिखाते हुए बाहर निकलते हैं, ऐसे बंदे मत बनो। तुम्हारी चाल से, तुम्हारे चलने से, तुम्हारे बोलने से, तुम्हारे किसी भी तौर तरीके और अंदाज और एटीट्यूड से घमंड का इजहार ना हो, तकब्बुर का इजहार ना हो, फख्र और गुरूर का इजहार ना हो, ऐसे बंदे मत बनो। और ना ऐसे बनो कि लोगों को दीन के रास्ते से रोको, अल्लाह के रास्ते से रोको। अल्लाह को सारे आमाल के, तुम्हारे सारे आमाल की खबर। फिर आगे सूरह अनफाल आयत नंबर 60 में ये बात फरमाई गई और ये हुक्म दिया गया कि मादी असबाब और कुव्वत और वसाइल इख्तियार करना और उसके लिए फिक्र करना और कोशिश करना ये दीन का हिस्सा है, अल्लाह का हुक्म है। फरमाया गया वअअद्दु लहुम मस्ततअतुम मिन कुव्वा वमिन रिबातिल खैल ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم। अहले ईमान को मुतवज्जे किया गया कि तुम्हारे दीन के तुम्हारे जो अजली दुश्मन हैं, जो हर वक्त तुमको मिटाने पर आमादा हैं, उनसे मुकाबले के लिए, और ऐसे हालात अगर पैदा हो जाएं कि उन हालात में तुम्हारे लिए फिर कोई चारा न रहे, उन हालात के लिए अपने आप को मजबूत रखो, हर एतबार से, नफसानी एतबार से अपने को मजबूत रखो, माली एतबार से अपने को मजबूत रखो, असबाब और वसाइल जिनकी कानून तुम्हें इजाज़त देता है उसकी रियायत करते हुए असबाब और वसाइल के एतबार से अपने को मजबूत रखो। बुज़दिल बनना, मादी असबाब से बिल्कुल आरी और खाली होना और हर एतबार से बिल्कुल पीछे रह जाना ये दीनदारी की अलामत नहीं है। मुसलमान बड़ा बेदार मग्ज़ होता है, मुसलमान बड़ा शुरूर वाला होता है, मुसलमान बहुत हिकमत और हिम्मत के साथ ज़िंदगी गुजारता है। वो एक तरफ अल्लाह पर कामिल यकीन रखता है, वो अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल इख्तियार करता है, वो रातों को इनाबत और तज़र्रुअ और दुआ के ज़रिए अल्लाह की नुसरत का तलबगार होता है। लेकिन वो इस हकीकत को जानता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को असबाब के ताबे किया है, अगरचे असबाब में तासीर भी अल्लाह डालते हैं, लेकिन दुनिया का निज़ाम ये है कि असबाब इख्तियार किए जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपके सहाबाए किराम ने और उम्मत ने हर दौर में अपने को असबाब के एतबार से भी मजबूत करने की कोशिश की। फ़र्क यह है काफिरों में, मुशरिकों में और अहले ईमान में, कि कुफार और मुशरिकीन असबाब पर ही तकिया करते हैं, असबाब पर ही कुल भरोसा करते हैं, उनकी सारी निगाहें सिर्फ असबाब पर होती हैं। लेकिन अहले ईमान असबाब को इसलिए अख्तियार करते हैं कि अल्लाह का हुक्म है, लेकिन उनकी निगाहें, उनकी उम्मीदें सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर होती हैं, उनको मदद का भरोसा सिर्फ अल्लाह से होता है। वो इन असबाब को हुक्म इलाही और सुन्नत नबवी समझ कर इख्तियार करते हैं।
लेकिन हुक्म ये दिया गया कि भरपूर असबाब और वसाइल तुम्हारी जिंदगी में होने चाहिए, जिस दौर के जो असबाब और वसाइल, बेहतरीन क्वालिफिकेशन, बेहतरीन तालीम, साइंस के मैदान में खूब आगे बढ़ना, खूब तरक्की करना, बेहतरीन डॉक्टर हम तैयार करें, बेहतरीन इंजीनियर हम तैयार करें, बेहतरीन साइंटिस्ट हम तैयार करें, बेहतरीन वकला और कानून के माहिर हम तैयार करें, और दुनिया के हालात और माहौल पर नज़र रखने वाले बड़े आला किस्म के इंटेलेक्चुअल्स और बहुत आला किस्म के दानिश्वर और लिखने पढ़ने वाले लोग और जर्नलिस्ट और बोलने वाले लोग, हर जगह हर फील्ड में मुसलमानों की ज़बरदस्त तैयारी, उसके लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस कायम किए जाएं, बेहतरीन इदारे कायम किए जाएं, ऐसा तालीमी निज़ाम हो कि हर एतबार से मुसलमान खूब तरक्की करे, खूब आगे बढ़े, खूब आगे तक पहुँचे, हर फील्ड में एक्सलेंट हो, हर फील्ड में बिल्कुल टॉप लेवल पर हो, ये मुसलमानों की दीनी ज़रूरत है, ये मुसलमानों की दीनी ज़रूरत है, हर एतबार से मुसलमानों का आगे बढ़ना ये मुसलमानों के लिए ज़रूरी है। किसी भी कौम को अगर दुनिया में उरूज चाहिए और दुनिया में तरक्की चाहिए तो उसको इन असबाब को इख्तियार करना पड़ता है। ये हुक्म इलाही है, ये सुन्नत इलाही है, ये अल्लाह का फैसला है, यकीन पूरा अल्लाह की ज़ात पर हो, लेकिन ऐसा निज़ाम हो कि कोई फील्ड ऐसी ना हो जिसमें हम टॉप पर ना हो, एक्सीलेंट ना हो। आज ये अजीब व गरीब माहौल बनकर रह गया और इस माहौल से ऐसी नहूसत पैदा हुई है और ऐसी खराबी वजूद में आई है, और वो माहौल ये है कि एक तबका जिसने अपने को दीन का, जिसने अपने को दीनी उलूम का जिम्मेदार समझा, उसने सिर्फ एक खास हिस्से पर इक्तफा कर लिया, उनको कोई मतलब दुनिया से नहीं रह गया, और उन्होंने ये समझा और दुनिया को ये समझाया कि दुनिया और दुनिया में पढ़ाए जाने वाले उलूम इनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। ये आला दर्जे की हिमाकत की बात, ये पता नहीं कैसे उम्मत में आम हो गई कि हम बस इतने ही पर इक्तफा करेंगे, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना, हमें इससे पीछे नहीं हटना, हमें एक कदम दाएं बाएं नहीं करना। और एक तबका उसके मुकाबले में वो दुनियादार खड़ा हुआ जिसने दुनिया में पढ़ाए जाने वाले उलूम को तो अपने हाथ में लिया, मगर उन्होंने अल्लाह की शरीयत को दरकिनार कर दिया, उन्होंने अल्लाह के कुरान को पीछे कर दिया, उन्होंने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और सीरत को दरकिनार कर दिया। ये दोनों अपनी अपनी इंतहाओं पर पहुंच गए। बेहतरीन और इत्तेदाल का रास्ता ये था कि एक ऐसा निज़ाम होता, एक ऐसा निसाब होता, और उम्मत की उम्मत के नौजवान इस तरह उनकी नश्वोनुमा होती कि वो एक तरफ बहुत माहिर होते उन सारे जदीद उलूम के, जिनको साइंसी उलूम कहा जाता है या असली उलूम कहा जाता है या उनको आजकल की जबान में मुरव्वजा उलूम कहा जाता है, जो राइज है, जो स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जाते हैं, वो बेहतरीन साइंटिस्ट होते हैं, बेहतरीन डॉक्टर्स होते हैं, बेहतरीन इंजीनियर्स होते हैं, आला दर्जे की क्वालिफिकेशन और सलाहियत उनके अंदर होती, और साथ साथ वो कुरान के भी जानने वाले होते, वो शरीयत पर भी गहरी निगाह रखने वाले होते, वो रातों को तहज्जुद पढ़कर अल्लाह से मांगने वाले होते, वो जिक्र और दुआ में भी वक्त लगाने वाले होते, वो कुरान की तफसीर और हदीस से भी किसी न किसी दर्जे में शगफ रखने वाले होते, और जो उसके माहिर होते, कुरान और हदीस के जो माहिरीन होते, फिकह इस्लामी के जो माहिरीन होते, उनको भी दुनिया के हालात पर निगाह रखने का सलीका होता, उनको भी दुनिया में क्या हो रहा है इस पर उनकी निगाह होती, दुनिया के मुरव्वजा उलूम से उनकी वाकिफियत होती, ताकि दुनिया में पेश आने वाले मसाइल का वो दुनिया को उन्हीं की ज़बान में उसका हल पेश कर सकें, वो पूरी दुनिया को लीड कर सकें, वो पूरी दुनिया को गाइड कर सकें। ये जो दो धारों में हम बट गए, एक दीनी उलूम के नाम से, एक दुनियावी उलूम के नाम से, इससे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो उधर गया वो इधर बात से नावाकिफ, और जो इधर गया वो उधर से नावाकिफ, और फिर इसके बड़े बुरे नतीजे दुनिया के बहुत से ममालिक में देखने को मिले। इस खराबी को दूर करने की ज़रूरत है, इस खराबी को हर सतह पर निज़ाम तालीम के एतबार से, निसाब तालीम के एतबार से, यहाँ तक कि घर के माहौल के एतबार से, तकरीरों तहरीरों के एतबार से, मकतबाए फिक्र के नुक्ताए नज़र के एतबार से, इस खराबी को दूर करने की ज़रूरत है कि ये दो हिस्सों में बांट कर उम्मत को तकसीम न किया जाए।
स्पेशलाइजेशन के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। कोई शख्स हदीस में माहिर है, तखस्सुस उसका हदीस में है, तफसीर में तखस्सुस है, तखस्सुस की सबको इजाजत हो, जो जिस इल्म में चाहे वो तखस्सुस और स्पेशलाइजेशन इख्तियार करे, लेकिन इस तरह से उम्मत की तकसीम न हो। बुनियादी इल्म जिन्हें दुनियावी उलूम कहा जाता है उनका भी, और जिन्हें दीनी उलूम कहा जाता है उनका भी, बुनियादी तालीम सबकी सबको दी जाए। और इस पर माशाल्लाह हमारे आजकल के बहुत से उलमा और की बड़ी किताबें हैं, लेक्चर्स हैं कि तकरीबन हाई स्कूल तक ऐसा निसाब तालीम हो कि हाई स्कूल तक ये सारे उलूम हर बच्चे को पढ़ाए जाएं। हाई स्कूल के लेवल तक वो साइंस का, मैथ का, अंग्रेजी का, हिंदी का, सोशल स्टडीज का, इन सब उलूम का भी एक हद तक वाकिफकार हो जाए, और उसको इस्लामी अकायद, इबादात, हलाल और हराम, कुरान की तफसीर, हदीस, फिक्र इस्लामी से भी कुछ शुद्बुद हो जाए, और उसके बाद फिर उसको इख्तियार दिया जाए। वो डॉक्टर बनना चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बनना चाहे इंजीनियर बने, मुफस्सिर और मुहद्दिस बनना चाहे मुफस्सिर और मुहद्दिस बने। ये तकसीम जब तक ख़त्म नहीं होगी, और ये जो दोलख कर दिया गया है उम्मत को इस तालीमी निज़ाम के नाम पर, जब तक इसको एक वहदानी निज़ाम तालीम की शक्ल में उम्मत को जमा नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक इस आयत पर खातिर खा अमल नहीं हो पाएगा। وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, बुलंद मकासिद के साथ, बुलंद अज़ाइम के साथ, सही दीनी फिक्र और नहज पर इस आयत पर अमल तभी हो सकता है जब इस पूरे निज़ाम पर हम अज़रे नौ गौर व फिक्र करके सर जोड़ कर बैठें, और एक नया निज़ाम, एक नया लायह अमल एक मुनज़्ज़म तरीके पर उम्मत के सामने अमली तौर पर भी पेश करें। उसके बाद सूरह अनफाल आयत नंबर 72 में ये बात फरमाई गई, अहले ईमान से वादा किया गया, फरमाया गया जो लोग भी ईमान लाए और फिर उन्होंने अपने दीन की हिफाजत के लिए हिजरत की और अल्लाह के रास्ते में अपने जान व माल के साथ हर मुमकिन कोशिशें की, और ऐसे लोग भी जिन्होंने उन मुहाजिरीन की मदद की, ये सब आपस में एक दूसरे के वली और एक खास कुछ खास हालात में एक दूसरे के वारिस हैं, और इन सब पर एक दूसरे की मदद ज़रूरी है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जिन्होंने फर्ज होने के बाद भी हिजरत नहीं की उनको वारिस नहीं समझा जाएगा। फिर ये फरमाया कि ऐसे ही लोग सही मानों में मोमिन हैं, और ऐसे ही नेक सिफत लोगों के लिए मगफिरत और पाकीजा रिस्क के वादे हैं। उसके बाद सूरह तौबा शुरू होती, और सूरह तौबा आयत नंबर 1 से 4 तक अल्लाह ताला अहले कुफ्र और शिर्क से बरात का ऐलान करता है। अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की जो इब्तदाई आयात नाजिल फरमाई, वो अल्लाह ने बड़े गैज़ो गज़ब में वो आयात नाजिल फरमाई, अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह की फटकार, अल्लाह की तरफ से वाज़ह ऐलान बरात अहले कुफ्र और शिर्क के लिए इन आयतों में बयान किया गया। इसलिए उलमा ये कहते हैं कि इस सूरत की इब्तदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ा जाएगा, क्योंकि इन आयतों में अल्लाह का गैज़ो गज़ब अहले कुफ्र और शिर्क की तरफ पर बरस रहा है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर अहले ईमान को अब गलबा नसीब हो गया, और अब अहले ईमान को पूरा इख्तदार मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर मिल गया, तो फिर अब इसका ऐलान सुन लिया जाए कि मक्का मुकर्रमा तौहीद का सबसे बड़ा मरकज है, मक्का मुकर्रमा तौहीद का सेंटर है, मक्का मुकर्रमा तौहीदी निज़ाम की असास है, मक्का मुकर्रमा की सरजमीन अल्लाह के दीन और अल्लाह के शरीयत और अल्लाह की वही इसका सबसे बड़ा मरकज है, इसलिए वहाँ पर कुफ्र और शिर्क को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फरमाया गया कि तौहीद के इस आलमी मरकज को शिर्क से हमेशा के लिए साफ कर देने का फैसला किया गया, और फिर ऐलान करके ये कहा गया कि जो भी कुफ्र और शिर्क के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है उसे 4 महीने की मोहलत दी जाती, या तो वो अल्लाह के इस निज़ाम को कबूल कर ले, तौहीद के निज़ाम को इख्तियार कर ले, और अगर वो ये चाहता है कि तौहीद के इस आलमी सेंटर में वो रहे तो फिर वो तौहीद का जो निज़ाम है उसको कबूल करे, और अगर वो निज़ाम उसे कबूल नहीं तो इस सेंटर में, इस आलमी मरकज में उसको रहने की इजाज़त नहीं है। वो 4 महीने के बाद, 4 महीने के अंदर अच्छा खासा वक्त होता है, पूरी तैयारी कर सकता है, वो इस मक्का मुकर्रमा की जज़ीरतुल अरब बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय फरमाया इस सरजमीन से, यहाँ से वो चला जाए और कहीं दूर जाकर रहे, इसलिए कि ये बिल्कुल फितरी बात है कि
कि जो जो जगह तौहीद का आलमी मरकज हो, पूरी दुनिया को जहाँ से तौहीद का पैगाम मिलता हो, वहाँ पर शिर्क वालों का रहना हरगिज़ हरगिज़ मुनासिब नहीं। चुनांचे अगर चार महीने के बाद भी वो नहीं गए तो फिर उनसे मुकाबला किया जाएगा। चुनांचे हज के मौके पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मुशरिकीन से इस बरात का साफ साफ ऐलान किया गया और कहा गया कि तुम तौबा कर लो तो बहुत अच्छी बात है, वरना अल्लाह तुमसे आजिज नहीं है, और सख्त अजाब की वईद सुनाई गई उनको। लेकिन मुसलमानों को भी यह हुक्म दिया गया कि इस चार महीने को पूरे सब्र और तहम्मुल के साथ वो बर्दाश्त करें। उसके बाद सूरह तौबा आयत नंबर 17 से 20 तक मस्जिदों की तामीर के सिलसिले में ये बात फरमाई गई कि कुफ्र और शिर्क करने वाले इस बात के अहल नहीं हैं कि वो अल्लाह की मसाजिद को आबाद करें, यानी खाने काबा मस्जिद हराम जिसकी जिसकी निगरानी और जिसकी जिम्मेदारी वो लोग उठाए हुए थे एक अरसे से, जो शिर्क की गंदगियों में लतपत थे। फरमाया गया अब अहले ईमान को इख्तदार हासिल हो गया और अल्लाह ने उनको गलबा अता फरमाया। अब बैतुल्लाह और मस्जिदुल हराम और हज इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी अब अहले ईमान के हाथ में रहेगी। शिर्क वालों के लिए अब इसकी गुंजाइश नहीं है कि वो अपने शिर्क के गंदगी के साथ वो मस्जिद हराम का निज़ाम अपने हाथ में लें, हज का निज़ाम अपने हाथ में लें, ये बिल्कुल इसी अतबार से दुरुस्त नहीं है। इसलिए कि ये लोग तो अपने कुफ्र और शिर्क पर कायम हैं, इनके आमाल बर्बाद हो चुके हैं, इनको जहन्नम में जाना है। फिर फरमाया गया साफ समझ लो अल्लाह की जो मसाजिद हैं उनको वही लोग आबाद करते हैं, हर एतबार से वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हो, नमाज रोज़े ज़कात का अहतमाम करते हो और अल्लाह से डरते हो। यानी मसाजिद की जिम्मेदारी किन लोगों के हाथ में हो, ये गौर करने की बात है। आजकल भी गौर करने की बात है, आजकल अजीब व गरीब सूरत हाल ये है कि मस्जिद की जिम्मेदारियाँ ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में हैं जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, जिनकी जिंदगियाँ फिस्क व फजूर में गुजरती, जो मस्जिद के इमाम को आलिम को और हाफिज को एक अपना गुलाम और नौकर समझते हैं, जिनका अमल जालिमाना होता है, जिनका तर्ज जाहिलाना होता है, जो किसी एतबार से मस्जिद की जिम्मेदारी उठाने के अहल नहीं है, लेकिन वो अपने अपने अपनी सोर्स लगाकर और बहुत से रास्तों से वो मस्जिद के जिम्मेदार बन जाते हैं, मस्जिद के ठेकेदार बन जाते हैं और हाफिज जी को गाली बकते हैं और इमाम साहब को बुरा भला कहते हैं, खुद तो अपने और अपने घर पर रोज़ाना हजारों रुपए फजूल खर्ची में उड़ाते हैं, अय्याशियों में उड़ाते हैं, लाखों रुपए महीने में खर्च कर देते हैं, लेकिन इमाम साहब को 500 रुपए तनख्वाह बढ़ाने में उनके पेट में मरोड़ होता है, उनके दर्द होता है और उनको शर्म नहीं आती कि लाखों लाख रुपए वो अपने घर पर अपनी फैमिली पर हर महीने खर्च करते हैं, लेकिन एक इमाम को 5-7-8 हज़ार रुपए देने में भी उनकी जान निकलती है। ये किस मुंह से अल्लाह का सामना करेंगे, ये किस मुंह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कयामत के दिन आएंगे। आज वो इमाम, आज वो मुअज्जिन, आज वो मस्जिद का खादिम सिर्फ इसलिए कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं, वो कहीं और जा नहीं सकता, उसका कोई जरिया माश नहीं है, उम्मत उसको पूछती नहीं है, लिहाजा वो तुम्हारी कड़वी कसीरी बर्दाश्त करता है, वो हाफिज है, आलिम है, दीन का खादिम है, तुम्हारी जिंदगी फिस्क व फजूर में फजूल खर्चियों और अय्याशियों में गुजरती है, लेकिन तुम उसको 5,000-7,000-8,000 रुपए देते हो तो एहसान करते हो। डरो अल्लाह के अजाब से, डरो कयामत के दिन से, डरो अल्लाह की पकड़ से, डरो अल्लाह के इताब और इकाब से। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बख्शेगा नहीं। दुनिया में वो भले ही कितने ताकतवर बन जाए, दुनिया में वो भले ही कितनी अपनी चौगाहट दिखा ले और दुनिया में भले ही वो कितना इमाम और मुअज्जिन और खादिम पर अपना रोब जमा ले, लेकिन कब्र के मरहले से उनको गुजरना है, कयामत के मरहले से उनको गुजरना है, अल्लाह के सामने उनको खड़ा होना है। अगर तुमने कद्र न की और ईमान के साथ, अमल सालेह के साथ, परहेजगारी और तकवे के साथ, मस्जिद के खादिमों की फिक्रमंदी और दर्दमंदी के साथ अगर मस्जिद का निज़ाम तुमने न चलाया तो ये अल्लाह की तरफ से जो फटकार पड़ेगी उससे बच नहीं पाओगे। उससे बचने का रास्ता ये है, मस्जिद की जिम्मेदारी उठानी है बहुत मुबारक, लेकिन पहले अपना ईमान पुख्ता करो, अपने आमाल अच्छे करो, ईमान और अमल सालेह पर आओ और कद्र करो,
मस्जिद के खादिमों की, कदर करो मस्जिद के मुअज्जिन की, कदर करो मस्जिद के इमामों की, इनका इस तरह ख्याल करो जिस तरह अपने बीवी बच्चों का ख्याल करते हो, इनको इस तरह अपना गुलाम मत समझो, अपना नौकर मत समझो, अपना खादिम मत समझो जिस तरह अपने दुकान में और अपने कारोबार में तुम 50 लोगों को अपना नौकर और खादिम समझते हो। ये अल्लाह के मेहमान हैं, ये अल्लाह के मुकर्रम हैं, ये अल्लाह के पसंदीदा हैं। आज दुनिया में इन्हें हकीर करके तुम अपने कदर ऊंचे कर सकते हो, लेकिन कयामत में अल्लाह की पकड़ से नहीं बच पाओगे। कयामत के दिन ये लोग अर्श के साए में होंगे, नूर की मिंबरों पर होंगे, और उस दिन तुम्हारी सारी अकड़, तुम्हारी सारी चौधराहट, तुम्हारा सारा घमंड, तुम्हारा सारा गुरूर खाक में मिला दिया जाएगा, इसलिए कि तुमने अल्लाह के इन प्यारों की नाकदरी की, अल्लाह के इन प्यारों को तकलीफ पहुंचाई। तौबा करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है। इस तरह मस्जिद का निजाम हाथ में लिया जाए कि ईमान और अमल सालेहा मजबूती से हमारे अंदर उतर चुके हो और हम मस्जिद के मुखादिमों और इमाम और मुअज्जिन के कदरदान हो, तब अल्लाह की तरफ से इस मस्जिद की खिदमत पर और इस मस्जिद की जिम्मेदारी उठाने पर अजर और सवाब मिलेगा। उसके बाद सूरह तौबा आयत नंबर 24 में एक बात फरमाई गई कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए ईमान वालों से, कह ईमान वालों, जरा अपने दिल का जायजा लो, जरा अपने अंदर झांक कर देखो, दिल में अल्लाह की मोहब्बत, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अल्लाह के रास्ते के मुजाहिदे की अहमियत और मोहब्बत ज्यादा है, या अपने घर वालों की मोहब्बत ज्यादा है, अपने वालिदैन की मोहब्बत ज्यादा है, अपने खानदान और भाइयों की मोहब्बत ज्यादा है, अपने माल की, कारोबार की और मकानात की मोहब्बत ज्यादा है। अगर दिल में इनमें से किसी की भी मोहब्बत अल्लाह और रसूल के अहकामात पर और उनकी इताअत और दीन के मुजाहिदे पर हावी है, तो बस फिर अल्लाह की पकड़ का इंतजार करो। फतरबसु हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रे, अल्लाह की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब होनी चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब होनी चाहिए, अल्लाह के दीन के लिए मेहनत और कोशिश की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पर गालिब होनी चाहिए। फिर फरमाया आयत नंबर 25 और 26 में वाकिया हुनैन का तस्किरा फरमाया, गज़वा हुनैन का। गज़वा हुनैन में यह हुआ कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, बहुत बड़ा लश्कर था मुसलमानों का, तो बाद मुसलमानों ने यह कह दिया कि आज तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता, शिकस्त दे ही नहीं सकता, आज तो हमारी तादाद बहुत बड़ी है। अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई कि अहले ईमान की नजरें एक लम्हे के लिए भी अल्लाह से हटकर किसी सबब पर, तादाद पर, मादी वसाइल और जराए पर, असबाब पर, अल्लाह को कतई ये बात पसंद नहीं। हम कितने ही आगे क्यों ना बढ़ जाएं, हमारी निगाहें सिर्फ अल्लाह की जात पर होनी चाहिए, तवक्कुल सिर्फ अल्लाह की जात पर होना चाहिए। चुनांचे जंग जब शुरू हुई तो इब्तिदा में सख्त परेशानी का मुसलमानों को सामना करना पड़ा और जमीन मुसलमानों के लिए एकदम तंग हो गई, उनके पांव खड़ गए। फिर अल्लाह ताला ने थोड़ी देर के बाद उनकी मदद फरमाई और उन पर सकीनत का नुजूल फरमाया और एक न देखने वाला लश्कर फरिश्तों का नाजिल फरमाया और फिर अहले ईमान को फतेह नसीब हुई। ये इसलिए करवाया गया, इसलिए ये आजमाइश थोड़ी देर के लिए मुझाई गई ताकि ये फिर बात दिल में उफ़्ता हो जाए कि ईमान वालों को सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। उसके बाद आयत नंबर 30 और 31 में यहूदियों और ईसाइयों के शिर्किया अकीदे का बयान फरमाया कि यहूदी ये कहते हैं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम माअदल्लाह अल्लाह के बेटे हैं, और नसारा ये कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, नऊज़ु बिल्लाह। फरमाया गया ये सब बनाई हुई बातें हैं, अहले कुफ्र पहले भी ऐसी बातें कर चुके, अल्लाह की फटकार हो ऐसे झूठों पर। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने अहबार और रुहबान को, अपने मौलवियों को खुदा का दर्जा दे रखा है और अपने नबी को नबी और रसूल के मर्तबे से उठाकर खुदाई के दर्जे तक पहुंचा दिया है, हालांकि एक खुदा है तुम्हारा, तुम सब का खुदा एक है, सिर्फ उसकी इबादत का हुक्म दिया गया। ऐसी बात है जब नबियों और रसूलों को खुदा बनाने की इजाजत नहीं और नबियों और रसूलों को खुदा जिन्होंने बनाया उन पर लानत भेजी गई, फटकार भेजी गई,
तो फिर जो वलियों को, बुजुर्गों को, मज़ारों को खुदा बनाते हैं और ये समझते हैं कि फला मज़ार पे जाकर हमारी मन्नत पूरी होगी, फला मज़ार पे जाकर हमारी तमन्ना पूरी होगी, और वहाँ जाकर सवाल करते हैं, मांगते हैं, अल्लाह पर यकीन नहीं करते, अल्लाह से दुआ नहीं मांगते और ये सारे अमाल करते हैं, जाहिर है उन पर भी अल्लाह की तरफ से फटकार ही पड़ेगी, लानत ही पड़ेगी। इसलिए कि हमें इबादत करने, दुआ मांगने का हुक्म जो दिया गया वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से दिया गया। उसके बाद सूरह तौबा आयत नंबर 32 और 33 में ये बात फरमाई गई कि अल्लाह का दीन गालिब आकर रहेगा, चाहे किसी को कितना बुरा लगे, कितनी तकलीफ पहुंचे, कोई कितना चिढ़े, कोई कितनी नफरत करे, कोई कितना जहर फैलाए, कोई कितना इस्लाम को मिटाने की कोशिश करे, मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करे, नाउज़ुबिल्लाह कुरान पर उंगली उठाए, नाउज़ुबिल्लाह हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुकद्दस को मतरूम करने की नाउज़ुबिल्लाह कोशिश करे, कोई कुछ कर ले, कितने ही मरोड़ क्यों ना हो, इस्लाम को अल्लाह सरबुलंदी अता फरमाएंगे। ये अल्लाह का फैसला है। फरमाया गया يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم, इनके मुंह से ऐसा जहर निकल रहा है, ऐसा नफरत का झाग इनके मुंह से निकल रहा है, ये चाहते हैं कि अपने जहर से अल्लाह के नूर को बुझा दें, इस्लाम को कमजोर कर दें, इस्लाम को मिटा दें। सुन लीजिए, والله متم نور, अल्लाह का नूर तो पूरा होकर रहेगा, इस्लाम तो मुकम्मल होकर रहेगा, इस्लाम तो गालिब आकर रहेगा, हर कच्चे पक्के घर में इस्लाम की बात पहुंच कर रहेगी। ये कितनी कोशिश कर लें, वलौ करिहल काफिरून, कितना ही इनको बुरा लगे, कितनी ही इनको तकलीफ हो, लेकिन अल्लाह के नूर को ये बुझा नहीं सकते, अल्लाह का नूर तो मुकम्मल होकर रहेगा। फिर फरमाया, अल्लाह तो वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा, ताकि हर तरह के रास्तों पर और दीन पर ये दीन इस्लाम गालिब आ जाए, फिर चाहे इनको कितना बुरा क्यों ना लगे, कितनी तकलीफ क्यों ना हो, इस्लाम तो आया ही इसीलिए है, क्योंकि इस्लाम फितरत के मुताबिक, नेचर के मुताबिक, इंसान के जो अल्लाह ताला ने इंसान की तबीयत बनाई है उसके मुताबिक है। इस्लाम में इंसाफ की बात कही गई, अमन की बात कही गई, इस्लाम में सुकून की बात कही गई, इस्लाम में हर रिश्ते का हक मुतय्यन किया गया, इस्लाम में इंसानियत को एक दौरे में किस तरह से बांधा जाए इसके रास्ते बताए गए। इस्लाम का पैगाम आफाकी, इस्लाम का पैगाम अबदी, इस्लाम का पैगाम अक्ल और फितरत के मुताबिक, इस्लाम का पैगाम पाकीजा बुनियादों पर, इस्लाम का पैगाम इंसानी बुनियादों पर। जाहिर है इतना कामिल और मुकम्मल और जामिअ पैगाम दुनिया खुद इसकी जरूरत महसूस करेगी और महसूस कर रही है। दुनिया के लोग परेशान हो जाते हैं, आजिज हो जाते हैं, उनका दिल सुकून से खाली होता है, कोई उनको अपनी बातों से मुतासिर नहीं कर पाता, वो बहुत से लोग उनको अपनी तरफ बुलाते हैं लेकिन उनकी बातें उनके अक्ल और उनकी फितरत को कबूल नहीं हो पाती, लेकिन जब वो कुरान पढ़ते हैं, जब वो इस्लाम को सुनते हैं, जब वो करीब से इस्लाम को देखते हैं और एक सच्चा इस्लाम जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और सहाबा किराम की जिंदगियों में था, जब वो उसको पढ़ते हैं तो वो बेसाख्ता पुकार उठते हैं कि यही वो रास्ता है जिसकी हमें तलाश थी। आप देख लें, दुनिया नहीं बताती, लेकिन दुनिया के ममालिक में आज जो सूरत हाल है, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज की, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो रिपोर्ट्स निकालें, हजारों हजार की तादाद में लोग रोजाना वहां इस्लाम कबूल कर रहे हैं और रोजाना इस्लाम के करीब आ रहे हैं और रोजाना कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं। हर जगह ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि जितना लोग इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, अल्लाह का फजल है, उतना ही दुनिया इस्लाम की तरफ जूक दर जूक चली आ रही है और इस्लाम के लिए लोगों के दिलों में वसाहत पैदा होती चली जा रही है। ये दुआ करने की बात है, अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में बना ले जिनके जरिए लोगों को इस्लाम का सही पैगाम मिले और जिनके जरिए लोग सही रास्ते की तरफ आए, और अल्लाह हमें उन लोगों से, उन लोगों में हरगिज़ शामिल ना फरमाए जिनकी वजह से लोग इस्लाम से मुतनफ़े हो, जिनकी बातों को, आमाल को, अखलाक को, किरदार को देख कर लोग इस्लाम से भागे। हम ऐसे बदनसीबों में न हो बल्कि हम उन खुश नसीबों में हों जो इस्लाम के करीब आए, जिनके जरिए लोग इस्लाम के करीब आए। उसके बाद सूरह तौबा आयत नंबर 41 के आस में गारे सौर का वाकया है,
जब हिजरत करके हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ गए तो द्वार में छुप गए, बाहर दुश्मन ढूंढता हुआ आया तो अल्लाह के हजरत अबू बकर को घबराहट हुई, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, कुरान ने उसका तज़किरा किया कि ثانيثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथी से ये कहा, ला तहज़न, हरगिज मत घबराओ, दुश्मन बिल्कुल सर पर है लेकिन मत घबराओ, इसलिए कि इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह की मईयत का इस्तेहज़ार इंसान के दिल और दिमाग से हर तरह के खौफ को दूर कर देता है। अल्लाह की नुसरत पर यकीन, अल्लाह की ताकत पर यकीन, अल्लाह की कुदरत पर यकीन। चुनांचे अल्लाह ने उन पर सकीनत का नुज़ूल फरमाया। इसके बाद सदकात के अहम मसारिफ हैं कि ज़कात कहाँ दी जाएगी। सूरह तौबा आयत नंबर 60 में फरमाया गया, सदकात दरअसल हक है फुकरा। ये बड़ा अहम मसला है ज़कात का मसला, इस वक्त आ गया तो मैं दो चार बातें ज़कात के मुतालिक भी अर्ज कर दूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ज़कात के सिलसिले में बहुत हसास होना चाहिए। ज़कात एक फ़र्ज है जो अल्लाह ने इस उम्मत के ज़िम्मे किया। साहिब निसाब होना, ज़ाहिर है साहिब निसाब होने की मुख्तलिफ शक्लें, कमाने वाले, कारोबार वाले किस तरह साहिब निसाब होंगे और किस तरह उनके माल पर जब साल गुजरेगी तो उसमें से 2.5% ज़कात निकालना फ़र्ज है। ये सारी बातें तफसील से हम उलमा से पूछें। लोग अपनी बीवियों और लड़कियों की तरफ से अक्सर गाफिल रहते हैं, हालांकि बीवियों के पास, लड़कियों के पास बहुत बड़ी तादाद में, मकदार में जेवर होता है, उन पर ज़कात फ़र्ज होती है लेकिन लोग उसकी फिक्र नहीं करते। तो पहली चीज़ तो ये कि हम पूरा अपना हिसाब और किताब रखें। हम कारोबारी आदमी हैं, ताजिर आदमी हैं, तो अपना स्टॉक, अपना बैंक बैलेंस, अपना अपनी प्रॉपर्टीज जो हम कमाने और बेचने के लिए लेते हैं, फ़ायदा उठाने के लिए, हर चीज़ का पूरा हिसाब किताब लगाएं और फिर किसी आलिम से पूछकर उसमें से मालूम करें कि हमारी ज़कात कितनी बनेगी। एक काम तो ये, दूसरा काम ये कि ज़कात को मुस्तहिक तक पहुँचाएँ। ज़कात को सिर्फ किसी के हवाले कर देने से ज़कात अदा नहीं होती। जो आदमी मुस्तहिक नहीं है, आपने उसको ज़कात दे दी, ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात को मुस्तहिक तक पहुंचाना कि कौन ज़कात का मुस्तहिक है, उसके लिए जाना, उसके लिए फिक्र करना, उसके लिए दौड़ धूप करना, मुस्तहिक के हाथ में ज़कात पहुंचे, उसको मिल्कियत हो उस पर, ये ज़कात का की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह ज़कात अदा करें। रिश्तेदार हमारे जो हैं उनको ज़कात दें, मालूम करके किन रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है। आले हाशिम जो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ख़ानदान है उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। उसके अलावा तमाम ख़ानदानों को ज़कात दी जा सकती है लेकिन रिश्तेदारों में मालूम करके। तो ये बड़े अहम मसाइल हैं कि हमारी ज़कात कितनी है और हमारी ज़कात मुस्तहिक तक पहुँची या नहीं पहुँची और सही तरीके पर पहुँची या नहीं पहुँची। इस सिलसिले में बहुत हसास और फिक्रमंद होना चाहिए। ये हम काम ऐसे ही हल्के अंदाज से नहीं करना चाहिए बल्कि पूरे ध्यान के साथ करना चाहिए। फरमाया, सदक़ात और ज़कात हक है फ़ुक़रा का, जो मोहताज हैं, यह हक है मोहताजों का और उन लोगों का जो शरई तौर पर सदकात की वसूली का काम अंजाम देते हैं और उन लोगों का जिनकी दिलदारी करके उनको करीब रखना और दीन पर जमाए रखना मकसूद है और गुलामों को आज़ाद करने के लिए और कर्जदारों के कर्ज अदा करवाने और अल्लाह के रास्ते में और मुसाफिरों की मदद में। ये ज़कात व सदकात अल्लाह की तरफ से दिया गया एक फरीज़ा, इसको अहतमाम से अदा करना चाहिए, मालूम करके अदा करना चाहिए और मुस्तहिक के हाथ तक पहुँचाना चाहिए। अपनी ज़कात, अपनी बीवी बच्चों की ज़कात, ख़ासतौर से लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं और उनके पास जेवर होता है तो उन पर भी ज़कात, कुर्बानी, ये सब वाजिब होती है, उसकी अदायगी की फ़िक्र करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।